सो गाइज यहाँ पर बहुत लंबा इंट्रो आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। 1 मिनट के आसपास का इंट्रो है, हाँ, उसके बाद वीडियो मेन चालू होएगी, मज़ा आएगा। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और काफी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैंने इस बार मतलब मेरा माइनक्राफ्ट में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और मैंने न्यू फ़ोन भी ले लिया है, तो फिर अब थोड़ा गेम प्ले भी अच्छा हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और हाँ, इस बार जो मैंने माइनक्राफ्ट में चेंजेस किए वो सब दिखाने का सही टाइम अभी ही है। चलो दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे लामा का घर है, हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लामा थे, हाँ, सबको मैंने मार डाला। फिर एक ट्रेडर जो होता है, वॉन्ड्रिंग ट्रेडर, वो यहीं पर स्पॉन हुआ था, हाँ, तो मैंने उसको मार दिया। उसके 2 लामा थे यहाँ पर और पता नहीं एक डी स्पॉन हो गया। और ये मेरे टिकटॉकर्स है, ये हमेशा नाचते रहते हैं, हाँ, तो इनके लिए अभी गाना बजाते हैं। दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रही फिर भी सबको हटा रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा। तो मैंने नेदर पोर्टल को शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नेदर पोर्टल, और इसको काफ़ी सजाया उजाया भी है। और वहाँ पर मेरा है, ये मेरा कोबल स्टोन का एरिया है, यहाँ पर मेरा इन्फाइनाइट कोबल स्टोन मिलता है मेरे को। और यहाँ पर मेरा चिकन है और मुर्गियों, कुकड़ू बोलो, देखा बोला ना कुकड़ू। और ये मेरी गाय, ये मेरे पिग, तो ये है मेरी शीप। सो सुबह हो गई है, तो लेट्स गो टू, आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ इस वीडियो की। तो मैंने अपना घर को, मतलब मेरा जो एक और घर था, जो सेकेंडरी घर था, उसको मैंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया हुआ है, तो आप उसको देखो। और इसकी अब क्लिप भी ऐड कर देता हूँ मैं। तो आपने वो क्लिप देख ही लिए, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब इस वीडियो का मेन टास्क है हमारा कि हम नेदर पोर्टल में जाएंगे, क्योंकि नेदर पोर्टल में आया है क्या ओपी वाला अपडेट, नेदर अपडेट, हाँ, मैंने कर दिया था नेदर अपडेट। तो अभी नेदर अपडेट की वजह से नेदर पोर्टल में जाना है, बट मेरे को कुछ एंचेंटमेंट्स भी करनी है, बट मेरे पास एंचेंटमेंट के लिए सफिशियंट लेवल्स नहीं है, हाँ,
तो पहले तो मेरे को सफिशियंट लेवल करने पड़ेंगे एंचेंटमेंट के ये। ओ एंडर ड्रैगन, ये ले एंडरमैन, ले तेरे को देख रहा हूँ मैं, आपने देखा साले मेरा ब्लॉक चुरा है मेरी। इधर देख, तू एक बार देख बस, तू इधर कुत्ते को छोड़ूंगा अब क्या साले। अरे यहाँ पर क्रीपर एक स्केलेटन है, वहाँ पर एक क्रीपर स्पॉन हो गया मेरे लामा के पास, मेरा लामा शहीद हो जाएगा। और चक्कर कैसे हो, एक्सपी दो एक्सपी। और तुम्हारे भाई लोग कब आएंगे, जल्दी लाओ भाई लोगों को बुलाओ। बस जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म के पास, क्या पता उस पर कुछ स्पॉन हो जाए। वो मेरा इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है मेरा एक्सपी फार्म, ज़्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं होते उसमें। कोई नहीं स्पॉन है। 2000 years later। तो मेरा ये जो एक्सपी फार्म है ये बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा स्लो है ये। देख लीजिए अभी एक दो हो गए ज़ॉम्बीज़ पड़े, उनको मारूंगा, फिर बहुत देर बाद आएंगे और ज़ॉम्बीज़। तो मेरी एक्सपी बढ़ाने में बहुत टाइम लग रहा है, मैंने अभी अपनी एक्सपी यूज़ भी कर दी कुछ एन्चेंटमेंट्स में। थोड़ा खा लूँ यार, बिल्कुल भूखा और खाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि है ना थोड़े डायमंड्स वायमंड्स की खोज में चल देते हैं। ओके वहाँ पर एक क्रीपर है तो उसके सब पंगे लेकर आते हैं। क्रीपर एक्सपी दो, ए स्केलेटन एक्सपी दे। और हाँ मैंने यहाँ पर एक एंचेंटेड, तीन एंचेंटेड तीर कमान रखे हुए थे, मैंने उन सबको मिलाकर एक एंचेंटेड बना चुका हूँ तीर कमान। और अभी मैं जाता हूँ केव में और कुछ डायमंड्स की खोज करके आते। सो पहले हम केव में जाने से पहले सो जाते थोड़ा। हाँ चलो सो गए हैं। अब चलो चलते हैं केव में।
गाइस अनएक्सपेक्टेड डायमंड मिले, क्या वर्ड्स नहीं आ रहे। मैंने मतलब इन डायमंड्स के बारे में सोचा तक नहीं था, मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये डायमंड्स मिलेंगे मेरे को। ओके अरे चेक कर लेते हैं कितने हैं यहाँ पर। दो कन्फर्म, दो ही दिख रहा है ना, और नीचे देख रहा हूँ। ओके तीन, ओके तीन डायमंड्स हैं, तीनों को खोद लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड डायमंड्स बहुत हार्ड गाइस। वैसे मैं फॉर्च्यून थ्री से करता तो फिर अभी बहुत सारे आ जाते हैं। पेटीएम दिया ना, सो गाइज अनएक्सपेक्टेडली डायमंड मिल चुके हैं। और अभी तो मैं कोल खोद रहा हूँ कहीं पीछे, हाँ पीछे से फिर भी एक बार, हाँ खोद लिए सारे। ओके 10 लेवल हो चुके हैं हमारे, मेरे को और भी चाहिए अभी। फिर भी ये आयरन भी लेके चलते हैं, क्या है आयरन की हमें धीरे धीरे आयरन होने आ रहे, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हमारे। डायमंड मिल चुका एक और हमें, we'll be right back.
तरफ तो समंदर आ चुका है और उस तरफ भी समंदर आ चुका है। मतलब ये केव में अब मेरे को बीच में से कोई रास्ता देखना पड़ेगा। Take it back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah, you say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space, just my luck. Put me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. Come on, name, you understand. I wanna stay, 'cause I don't wanna walk away. 'Cause I don't wanna walk away. Years later. So guys, काफ़ी सदियों बाद हम केव से बाहर आ गए। चलो हम देखते हैं हमारे बाहर का वातावरण कैसा है। ओ वाओ, बाहर से तो बड़ा ही सुंदर दिखता है हमारा दरी। बड़े सालों बाद केव के बाहर आए। ओ कैसी हो कोमड़ियों, मुर्गियों, काफ़ी सालों बाद मिला हूँ तुमसे। एक बार बताओ ना कैसी हो। ए बता, ए कैसी है तू। हम सब ठीक है, तुम क्या, तुझे क्या है बे, चुपचाप है। अबे इतनी बेइज्जती, अरे थोड़ा तो याद करती। और लामा, तू इतने सालों से आगे पीछे ही होता रहा। अरे ओ लामा, ओ आगे यार, अभी भी आगे पीछे हो रहा है। चलो यार। ओ भाई, यह एक्सपी फार्म सालों पहले भी काम नहीं करता था, आज भी काम नहीं करता है। आई टीची महिला, कोई आ जाओ। अरे मेरा स्वागत करने भी नहीं आओगे क्या, बताओ मेरे को क्या। ओ हाँ, मैंने ये पूल बनाया था जब मैं एक्सपी फार्म में जॉम्बीज का वेट कर रहा था। वेट करते करते ये पूल बनाया, थोड़ा नहा लेते, सालों से नहीं नहाया है। चलो अपने स्टेज पर जाते हैं और स्टेज से सब कुछ देखते हैं। आ हाँ, क्या मस्त लग रहा है वर्ल्ड। और ये एक्सपी फार्म तो भाई साहब कतई जो है। आ हाँ, क्रीपर जी आ गए। चलो भाई, सालों बाद यहाँ पर आने के बाद क्रीपर को ठोके। और क्रीपर, नमस्कार, स्वागत नहीं करोगे हमारा, मत करो, हम तुम्हें मार देंगे। ओके, तो 15 लेवल हो गए हमारे, अब हमें बस आराम से 20-30 लेवल और चाहिए। 20-30 लेवल लेने में क्या वाट लगने वाली है ना, क्या बताएं। चलो थोड़ा सा इन्वेंट्री खाली करते हैं। हाँ, हमें डायमंड मिले थे केव में, वो भी याद आया मेरे, तो पहले अपना सामान रख देता। मेरे को लग रहा है कि मेरे को अपना आइडिया स्किप करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में अभी नैदर पोर्टल को विज़िट नहीं करके आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं नैदर पोर्टल को विज़िट करूँगा। और अभी इस वीडियो के लिए ये डायमंड्स ही है सब, देख लो, खुश हो लो बस। और क्या, और यहाँ पर काफ़ी कुछ आ चुका है मेरे पास। और अभी मेरे को एन्चेंटमेंट्स करना इसलिए है क्योंकि बिल्कुल भी मेरे पास कोई भी अच्छी तलवार वलवार कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ एन्चेंटमेंट्स करके कर लूँ, इसलिए मैं ये एक्सपी फार्म बनाया। पर ये एक्सपी फार्म क्या बोल रहा हूँ मैं यार, हाँ एक्सपी फार्म अच्छे से काम ही नहीं कर रहा। ओ चचा जल्दी आओ, मारूंगा तुम्हें और एक्सपी गेन करूंगा। चलो ठीक है, तो मेरे को इस वीडियो को शायद से मे भी इस अभी चैंड करता हूँ। और जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा इसकी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ 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 हाँ, बाय बाय नहीं है मेरे को, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ,
अपने जो भी तुम्हें थॉट्स है सब कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ. It's just you.